लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। प्रधानमंत्री मोदी पिछले ही दिनों अमेरिकी दौरे पर गए थे, वहां पर उनका स्वागत हुआ। हालांकि विरोध जो है उनके खिलाफ वो भी जोरों शोरों पर देखने को मिला। अमेरिका न्यूयॉर्क की सड़कों, वॉशिंगटन डीसी की सड़कों पर पीएम मोदी के खिलाफ लोगों का विरोध जो है वो जोरों शोरों पर देखने को मिला। अब इसी तरह का विरोध मालदीव से भी सामने आ रहा है। मालदीव में लोग सड़कों पर उतरकर मोदी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद निंदनीय है। यहां पर लोग जो हैं, पूरा का पूरा काफिला निकल रहा है, पूरा का पूरे तमाम लोग जो हैं वो मोदी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां पर लोग मोदी का मुखौटा लगा करके, अपने आप को सफेद पट्टियों से लपेट करके, अपने गले में चप्पलों की माला डाल करके मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सवाल है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया जो मालदीव और भारत के इतने अच्छे संबंध होने के बावजूद भी मोदी का विरोध वहां पर हो रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी भारत सरकार का विरोध जो है वो मालदीव में देखा गया है, लेकिन अब जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद निंदनीय है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरीके से मालदीव की सड़कों पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उन तस्वीरों की हम कड़ी निंदा करते हैं। आपको तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग जो है वो मोदी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके पीछे की क्या वजह बताई जा रही है। इसके पीछे ये कहा जा रहा है, मालदीव के लोगों का ये कहना है कि मालदीव के आंतरिक मामलों में भारत जो है वो बहुत ज्यादा दखल दे रहा है और भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए वो मोदी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वीडियो ट्विटर पर इंडियन मुस्लिम नाम के एक ट्विटर यूजर ने शेयर किया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि मालदीव के अधिकांश लोग मालदीव के मामलों में भारत के हस्तक्षेप से निराश हैं, यानी कि खुश नहीं है, और आज उन्होंने मोदी के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन किया और मांग की है कि भारत मालदीव के मामलों में हस्तक्षेप करना बंद कर दे। तो ये जो है वो वजह बताई जा रही है। इसके साथ इसे ट्विटर हैंडल से, इंडियन मुस्लिम नाम के इसी ट्विटर हैंडल से एक वीडियो भी शेयर किया गया है। वो वीडियो आपके सामने रख रहे हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि पीछे लोगों का काफिला चल रहा है, लोगों ने झंडे ले रखे हैं, बैनर ले रखे हैं, इंडिया आउट के पोस्टर ले रखे हैं, और वहीं दो लोगों के चेहरों पर आपको मोदी का मुखौटा दिखेगा। एक के गले में चप्पलों की माला है, चप्पलों की माला डालकर के वो पैदल चल रहे हैं और मोदी को लेकर तरह तरह की बातें भी हो रही हैं, विरोध हो रहा है, और दूसरी तरफ दूसरा शख्स जो है वो भी हाथों में झंडे लेकर मोदी का विरोध कर रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, हालांकि इन तस्वीरों की द लाइव टीवी कड़ी निंदा करता है और जो हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरह से विरोध कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये तस्वीरें देखिए आप। तो तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से मालदीव की सड़कों पर मोदी का विरोध हो रहा है। हम इस तरह के विरोध की कड़ी निंदा करते हैं, द लाइव टीवी इस तरह के विरोध की कड़ी निंदा करता है और हम मांग करते हैं कि इन तरह के लोग जो मोदी के खिलाफ इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इन पर कड़ा एक्शन लिया जाए ताकि आगे लोग इस तरह की चीजें ना करें। अब मालदीव के लोग ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी के खिलाफ प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि पीएम मोदी जो हैं वो मालदीव के मामलों में ज्यादा दखल दे रहे हैं और मालदीव के लोगों को ये सही नहीं लग रहा है, वो इससे निराश हैं, इसलिए जो है वो सड़कों पर विरोध प्रदर्शन मालदीव की तरफ से किया जा रहा है। आप देखेंगे वीडियो में कि मालदीव की तरफ से कहीं लोग हैं, कहीं पूरा का पूरा पीछे जो है वो काफिला चल रहा है, झंडे हाथ में, बैनर हाथ में ले रखे हैं, उनमें से एक पोस्टर पर इंडिया आउट भी लिखा है और आगे जो दो लोग हैं, तीन लोग जो है वो मोदी का विरोध कर रहे हैं और एक ने विरोध की सारी सीमाएं पार करते हुए गले में चप्पल डाल करके इस तरीके से विरोध दर्ज करवाया है, वो बेहद निंदनीय है। इसी के साथ आपको बता दें कि इससे पहले भी अमेरिका के न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी में जब अमेरिका पर पीएम मोदी पिछले दिनों 3 दिवसीय दौरे पर थे तो उस दौरान पीएम मोदी का जमकर विरोध देखने को मिला। हालांकि विरोध की तस्वीरें अलग थी लेकिन वहां पर भी पीएम मोदी का जमकर विरोध हुआ। यहां पर पहलवानों के प्रदर्शन, मणिपुर, उमर खालिद, मुसलमानों पर जिस तरीके से लगातार अत्याचार हो रहे हैं, हेट स्पीच के मामले आ रहे हैं, उसे लेकर यहां पर कई तरह के सवाल जो है वो मोदी से पूछे गए थे और जमकर विरोध हुआ था। आप अपनी स्क्रीन पर
जाकिर अली का ट्वीट अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 3 से 4 यहाँ पर तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में आपको दिखेगा कि न्यूयॉर्क में ये जो कुछ ट्रक हैं उन पर स्क्रीन लगा करके बिलबोर्ड लगा करके विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज करवाया था। यहाँ पर लिखा है कि न्यूयॉर्क की सड़कों पर घूम रहे कई ट्रकों की स्क्रीन पर शर्जिल इमाम, सिद्दीकी कप्पन, खालिद सैफी, उमर खालिद, देवांगना नताशा, अखिल उमर खालिद, इशरत जहां, आसिफ स्टैन स्वामी और दूसरे, इन तस्वीरों के माध्यम से कहा जा रहा है कि जो बाइडेन मोदी से क्यों सैकड़ों मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को जेल में रखा गया है और उनको मूल अधिकारों से वंचित रखा गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें उमर खालिद और तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन जो जेल में बंद हैं उन्हें लेकर यहाँ पर कहा गया है कि किस तरीके से मानवाधिकार कार्यकर्ता जो हैं वो जेल में बंद हैं बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी सेशन के। इसे लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए। इसी के साथ एक और तस्वीर देखिए, अर्जुन सेठी यहाँ पर 3 से 4 तस्वीरें शेयर करते हैं जिसमें लिखते हैं कि न्यूयॉर्क में जो ट्रक्स हैं वो सच बोल रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। इसमें उमर खालिद को लेकर एक सवाल पूछा गया है और इसी के साथ यहां पर क्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो भी कहा गया है जिसे लेकर कड़ी जो है वो निंदा की गई है। एक पोस्टर में यह भी कहा गया है कि 2005 से 2014 तक अमेरिका में मोदी को बैन क्यों किया गया। जवाब में उसी के जवाब में लिखा गया है कि विशेष रूप से धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन के लिए एकमात्र व्यक्ति जिसे इन आधारों पर वीजा देने से इनकार किया गया। तो 2005 से 2014 तक अमेरिका ने मोदी को बैन कर रखा था लेकिन उसके बाद जो है अब अमेरिकी दौरे पर पीएम मोदी कई बार जा चुके हैं। एक और सवाल है यहां पर कि जो बाइडेन मोदी से पूछो कि अपने ही मंत्री द्वारा यौन उत्पीड़न का विरोध करने पर महिला पहलवानों को हिरासत में क्यों लिया गया। वो पोस्टर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक और पोस्टर में लिखा गया कि क्या आप जानते हैं कि मोदी के शासन में मुसलमान, ईसाइयों और दलितों की मॉब लिंचिंग बढ़ गई है बिना किसी जवाबदेही के। एक और पोस्टर में उमर खालिद को लेकर सवाल पूछे गए हैं। लिखा है कि स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद बिना मुकदमे के 1000 दिनों से जेल में बंद क्यों है। तो यहां पर आपने देखा ये अमेरिकी दौरे पर पीएम मोदी पिछले दिनों गए थे, वहां पर जो है खूब बढ़ चढ़ कर विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। लेकिन मालदीव में जिस तरीके से लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं मोदी के खिलाफ वो बेहद निंदनीय है। चप्पलों की माला डालकर गले में मोदी का मुखौटा पहन करके विरोध कर रहे हैं जो कि बेहद निंदनीय है। मोदी एक देश के सम्मानित नेता है, देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनकी लोकप्रियता जो है वो किसी से कम नहीं है और ऐसे में हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके से प्रदर्शन करना इसकी कड़ी निंदा की जाती है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जानी चाहिए ताकि इस तरह की चीजें, इस तरह के विरोध प्रदर्शन करने से लोग जो है वो पहले 10 बार सोच लें। इसी के साथ आपको बता दें कि मालदीव में इस तरह का विरोध प्रदर्शन जो है या फिर यूं कहें कि भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जो है वो नई बात नहीं है। इससे पहले भी साल 2021 में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। साल 2021 में मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के कारण जो है वो इंडिया आउट कैंपेन जोरों पर था। उन दिनों इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया जिसको लेकर जो है वो जोरों शोरों से उस कैंपेन को आगे बढ़ाया गया। यहां पर भी आप तस्वीरों में देखेंगे कि इंडिया आउट जो है वो पोस्टर में लिखा है जब मालदीव के लोग जो है वो सड़कों पर उतरकर मोदी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मालदीव और भारत के संबंध जो है वो दिन प्रतिदिन अच्छे होते जा रहे हैं। कई समझौते भी मालदीव और भारत के बीच हुए हैं लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का कहना है, मालदीव के लोगों का कहना है कि मालदीव में भारत सरकार का दखल जो है वो मोदी सरकार का दखल जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है जो नहीं होना चाहिए और उसी को लेकर ये सारा विरोध प्रदर्शन जो है वो बताया जा रहा है। अब आप मालदीव के लोगों का मोदी के खिलाफ इस तरीके से विरोध प्रदर्शन को लेकर क्या सोचते हैं, इसे कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।